सो हाय एवरीवन, कैसे आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने यूट्यूब वीडियो में काफी सर्चेबल टैग को यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप अपने वीडियो में सर्चेबल टैग को यूज करते हैं तो जो आपकी यूट्यूब वीडियो है वह यूट्यूब में रैंक करना शुरू कर देती है और आपके यूट्यूब वीडियो पर व्यू भी मिलना शुरू हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे आप यूट्यूब वीडियो के लिए सर्चेबल टैग को फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने यूट्यूब वीडियो को यूट्यूब सर्च में लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपकी YouTube वीडियो है वह रैंक नहीं करेगी और आप नहीं सीख सकेंगे कि YouTube वीडियो में सही तरीके से रैंक कैसे लगाते हैं। सो आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी जो YouTube वीडियो है वह YouTube सर्च में रैंक करने लगेगी। सो यदि आपके भी YouTube वीडियो पर व्यू नहीं मिलते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप इस वीडियो को देखकर अपने YouTube वीडियो को रैंक करवा सकते हैं। सो चलिए, मैं अब आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने YouTube वीडियो के लिए सर्चेबल टैग को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें अपने वीडियो में लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, YouTube वीडियो के लिए सर्चेबल टैग फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है और YouTube एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपकी जिस टॉपिक पर वीडियो है उस टॉपिक को आपको सबसे पहले YouTube में सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें। ये जैसे कि टॉपिक हो गई तो मैं इसे सर्च कर ले रहा हूँ और इसे सर्च करने के बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है और 3 डॉट लाइन पर क्लिक करके फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये जो एनी टाइम का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिस मंथ सिलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वीडियो यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगी। तो यहाँ अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा व्यू किस वीडियो पर मिला है और उस वीडियो को आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा व्यू किस वीडियो पर मिला है। तो ये 6500, ये 9000 है, उसके बाद ये 440, 15K, 13K, 61K, 10K, तो कुछ इस तरह से आपको अपने यहाँ वीडियो में देख लेना है कि सबसे ज़्यादा व्यू किस पर मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा व्यू ये देख सकते हैं इस वीडियो पर मिल चुका है, ये 60,000 व्यू क्रॉस कर चुका है। तो इस वीडियो को आपको ओपन करना है और वीडियो ओपन करने के बाद आपको अब इस वीडियो लिंक को कॉपी करना है। तो शेयर बटन पर क्लिक करें और उसके बाद कॉपी लिंक यहां पर कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, इस जो वीडियो है इसकी टैग को आपको कॉपी करना है, क्योंकि ये वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट है और इस पर बहुत ज़्यादा व्यू मिले हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और टैग एप्लीकेशन एक मिलता है आपको प्ले स्टोर पर, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसे मैंने इंस्टॉल करके रखा है, चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ गेट टेक्स्ट फ्रॉम URL ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ जो बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको अपनी लिंक को यहाँ पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको सर्च कर देना है सिंपली। उसके बाद आपके सामने ये देख सकते हैं उस वीडियो में जितने भी यहाँ टैग लगाए गए हैं सभी टैग आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो इन सभी टैग को आपको एक बार में कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको यहाँ बॉटम में देख सकते हैं 3rd नंबर कॉपी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब टैग कॉपी हो चुके हैं, अब आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में नोटपैड को ओपन करना है और नोटपैड को ओपन करने के बाद आपको एक यहाँ ब्लैंक पेज लेना है और यहाँ पर उन सभी टैग को पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, नोटपैड में फाइनली हमने सभी टैग को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो अब आपको इन सभी टैग को एक एक करके कुछ इस तरह से अपने वीडियो में कॉपी करना है और अपने वीडियो में जाकर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप अपने YouTube वीडियो के लिए काफ़ी सर्चेबल टैग फाइंड कर सकते हैं और उन्हें अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया होगा कि पहले तरीके में आप किस तरह से अपने YouTube वीडियो के लिए जो रिसेंट टाइम में टैग रैंक कर रही है उसको कैसे फाइंड करके अपने YouTube वीडियो में लगा सकते हैं। सो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप अब किस तरह से अपने YouTube वीडियो के लिए सर्चेबल कीवर्ड्स को, सर्चेबल टैग को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके में सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VidIQ। फ्रेंड्स, VidIQ एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको वीडियो के रिगार्डिंग आपको काफ़ी सर्चेबल कीवर्ड, काफ़ी सर्चेबल टैग फाइंड करके देता है। तो इसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और इसे ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले अपने इसमें यूट्यूब अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन में अपने यूट्यूब अकाउंट को लॉगिन करके रखा है। तो ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगी।
तो यहाँ पर शो ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी सभी तमाम वीडियो यहाँ पर दिखाई देने लगती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज करके अपने वीडियो में काफी सर्चेबल कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो पेन होने के बाद सबसे पहले आपको एसईओ स्कोर यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो मेरी वीडियो की एसईओ स्कोर 44 अभी हुई है। खैर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को यूज करके आप किस तरह से अपने वीडियो में सर्चेबल टैग को फाइंड कर सकते हैं। तो नीचे में मैंने अपने वीडियो में यहाँ पर तमाम जितने भी टैग लगाए थे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, प्लस उस टैग के साथ उस टैग की रैंकिंग भी दिखाई दे रही है, जैसे 49, 56, 55, तो ये उस टैग की रैंकिंग है। इसके बाद यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको अपने वीडियो में कौन सा टैग यूज करना चाहिए, तो जस्ट अब जैसे ही इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे में ये देखिए आपको तीन टैग और सजेस्ट कर रहा है। तो इन टैग को अपने वीडियो में ऐड करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करना है और ये टैग आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये देखिए, तो जैसे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टैग पर तो ये टैग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप अपने वीडियो के टॉपिक के हिसाब से अपने वीडियो में यहाँ पर टैग यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में नहीं आता है कि आपको अपने वीडियो के टॉपिक के रिगार्डिंग किस किस टैग को अपने वीडियो में ऐड करना है, तो आप इस एप्लीकेशन का यूज करके बड़ी आसानी से अपने वीडियो में टैग को ऐड कर सकते हैं। तो तमाम यहां पर सारी कीवर्ड को ऐड करने के बाद, टैग को लगाने के बाद, आपको यहां सेव योर चेंजेस का ऑप्शन दिखाई देता है नीचे में। इस पर क्लिक करके आप अपने टैग को यहां पर सेव कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है YouTube वीडियो में टैग लगाने का। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ कि तीसरे तरीके में आप किस तरह से अपने YouTube वीडियो के लिए सर्चेबल टैग को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरे तरीके में मैंने जिस तरह आपको भीड आई क्यू एप्लीकेशन के बारे में बताया है, उसी तरह मैं आपको तीसरे तरीके में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, तीसरे तरीके में मैं आपको ट्यूब बडी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल से भी आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए सर्चेबल टैग को फाइंड करके अपने यूट्यूब वीडियो में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्यूब बडी यूट्यूब का एक ऑफिशियल ऐप है जो कि आपको खुद आपके वीडियो के रिगार्डिंग सजेस्ट करता है कि आपको अपने वीडियो में कौन सा टैग लगाना है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने आपको दूसरे तरीके में बताया कि भीड आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपना यूट्यूब अकाउंट लॉगिन कर लेना है और किसी स्पेसिफिक वीडियो को ओपन करके आप उसके रिगार्डिंग उसमें टैग को लगा सकते हैं, तो सेम प्रोसेस ट्यूब बडी का भी है। ट्यूब बडी को भी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना होगा, उसके बाद उसे इंस्टॉल करके उसमें अपना यूट्यूब अकाउंट लॉगिन कर लेना होगा। और यूट्यूब अकाउंट लॉगिन करने के बाद जब आप उसमें अपने किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे तो ट्यूब बडी आपको अपने वीडियो के रिगार्डिंग यहाँ पर टैग सजेस्ट करने लगेगा, जिस तरह आपको भीड आईक्यू एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहा था। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि भीड आईक्यू और ट्यूब बडी का प्रोसेस पूरा सेम है, क्योंकि यदि मैं ट्यूब बडी का भी आपको दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरह से इन तीन स्टेप को फॉलो करके अपने यूट्यूब वीडियो के लिए काफी सर्चेबल टैग को फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूट्यूब वीडियो के लिए टैग कैसे फाइंड करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई है, ये वीडियो आपको अच्छे लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी नए क्रिएटर को पता चले और वे सीख सके कि यूट्यूब वीडियो में टैग कैसे लगाते हैं, अपने वीडियो के लिए टैग कैसे फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल के रिगार्डिंग सबसे पहले आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।